ये बिल्कुल करेक्ट है। मैंने ये सारे एविडेंसेस जो हैं अंदर कोर्ट में दे दिए हैं। इसकी तरफ से मुझे वॉइस मैसेज आया और जमानत के बाद जी बिल्कुल 10 अक्टूबर का दिन था, थ्रेटनिंग वॉइस मैसेज था और अनफॉर्चुनेटली मैंने उसे अभी प्ले किया और मेरा ख्याल है 20-25 सेकंड के करीब मैंने उसे सुना, तो उसके बाद इसने फौरन उसे डिलीट कर दिया क्योंकि जाहिर सी बात है एक थ्रेटनिंग मैसेज था और ये नहीं चाह रहा था कि इसका कोई सबूत हाथ लगे। लेकिन आज टेक्नोलॉजी जो है वो आप समझ सकते हैं कि तरक्की कर गई है, तो उस वजह से हमने इसके एविडेंसेस लिए और वो कलेक्ट करके अंदर दिए हैं। सेकेंडली इसने उसके बाद एक और हरकत की कि इसने मेरी जो छोटी बेटी है 2 साल की एज ए थ्रेट इसने उसकी डिस्प्ले फ़ोटो यूज़ की और मुझसे कांटेक्ट किया और वो दो दिन उसके बाद तक वो 2 दिन इसके व्हाट्सएप के ऊपर लगी हुई थी। जब ये केस, ये जो ज़मानत खारिज करने का केस जब मीडिया की में हाइप हुआ तो इसने उसके बाद उसको एहसास हुआ कि अब मैं फंस जाऊँगा तो इसने डिस्प्ले फ़ोटो चेंज की। देखें ये एग्जैक्टली पहले भी यही बात थी, जो मेरे पास पूरी इसकी चैट पड़ी हुई है और वो भी हमने जज साहब को अंदर दी थी, उसमें भी यही था कि केस विड्रा करें और अभी भी यही था कि केस विड्रा करें। बिल्कुल भी नहीं जी, मैं पहले दिन से खड़ा हूँ, आज भी खड़ा हूँ, इंशाल्लाह आगे खड़ा रहूँगा और मैं ये चाहूँगा कि इंसाफ मिले मुझे और जो जालिम लोग हैं उनको सज़ा मिले। आज अनफॉर्चुनेटली स्ट्राइक थी, केस कोर्ट में जो केसेस हैं वो परसों नहीं हो रहे, तो आज एक डेट हुई है। हम लोग 26 मांग रहे थे और सेकंड पार्टी, ज़ाहिर है दोनों की मुशावरत से एक डेट होती है, तो दोनों की मुशावरत से 29 तारीख मिली है। इंशाल्लाह ताला जज साहब के मुताबिक 29 को ही वो ये केस सुनने के बाद फौरन फ़ैसला सुना देंगे, बिल्कुल उम्मीद है और यकीनन यही अदालतें इंसाफ फराहम करेंगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। देखिए मैं चूँकि मैं बाउंड हूँ, मैं ज़्यादा चीज़ें मीडिया में शो नहीं कर सकता, लेकिन बड़ी अच्छी मुलाकात थी और जज साहिबा जो वहाँ मौजूद थी वो पूरी प्रॉपर 5 घंटे की मुलाकात में सामने बैठी हुई थी। वो अपनी एक जो एक रिपोर्ट है वो हाई कोर्ट में पेश करेंगी और हमें पूरी उम्मीद है कि वो बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट होगी। ये बिल्कुल करेक्ट है। मैंने ये सारे एविडेंसेस जो हैं अंदर कोर्ट में दे दिए हैं। इसकी तरफ से मुझे वॉइस मैसेज आया और जमानत के बाद जी बिल्कुल 10 अक्टूबर का दिन था, थ्रेटनिंग वॉइस मैसेज था और अनफॉर्चुनेटली मैंने उसे अभी प्ले किया और मेरा ख्याल है 20-25 सेकंड के करीब मैंने उसे सुना, तो उसके बाद इसने फौरन उसे डिलीट कर दिया क्योंकि जाहिर सी बात है एक थ्रेटनिंग मैसेज था और ये नहीं चाह रहा था कि इसका कोई सबूत हाथ लगे। लेकिन आज टेक्नोलॉजी जो है वो आप समझ सकते हैं कि तरक्की कर गई है, तो उस वजह से हमने इसके एविडेंसेस लिए और वो कलेक्ट करके अंदर दिए हैं। सेकेंडली इसने उसके बाद एक और हरकत की कि इसने मेरी जो छोटी बेटी है 2 साल की एज ए थ्रेट इसने उसकी डिस्प्ले फ़ोटो यूज़ की और मुझसे कांटेक्ट किया और वो 2 दिन उसके बाद तक वो 2 दिन इसके व्हाट्सएप के ऊपर लगी हुई थी। जब ये केस, ये जो ज़मानत खारिज करने का केस जब मीडिया की में हाइप हुआ तो इसने उसके बाद उसको एहसास हुआ कि अब मैं फंस जाऊँगा तो इसने डिस्प्ले फ़ोटो चेंज की। देखें ये एग्जैक्टली पहले भी यही बात थी, जो मेरे पास पूरी इसकी चैट पड़ी हुई है और वो भी हमने जज साहब को अंदर दी थी, उसमें भी यही था कि केस विड्रा करें और अभी भी यही था कि केस विड्रा करें। बिल्कुल भी नहीं जी, मैं पहले दिन से खड़ा हूँ, आज भी खड़ा हूँ, इंशाल्लाह आगे खड़ा रहूँगा और मैं ये चाहूँगा कि इंसाफ मिले मुझे और जो जालिम लोग हैं उनको सज़ा मिले।